नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। जिस तरीके से संतोष सुमन ने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो अब जो है जो तमाम चीज़ों को लेकर अब जीतन राम मांझी लगातार आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब नीतीश कुमार अपने कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं। अब इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रत्नेश सदा हैं। कैसे देख रहे हैं आपको मंत्री बनाया जा रहा है? अब मंत्री बनाया जा रहा है, हम तो इससे अति उत्साहित भी नहीं है जी। काहे तो हम समय का इंतजार करते हैं और समय आया है तो माननीय मुख्यमंत्री का असीम कृपा हुआ है जी, विजेंद्र बाबू का असीम कृपा हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का, विजय चौधरी जी जो संसदीय कार्य मंत्री का और तेजस्वी जी का असीम कृपा हुआ है, इसलिए हम आज मंत्री बनने जा रहे हैं जी। रत्नेश जी, आपने कहा कि समय का इंतजार करते हैं, ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार ने आप ही के ऊपर भरोसा जताया? उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग है जी किए हुए और उन्होंने देख रहा है, जितने भी 43 विधायक हैं अभी हम जी पार्टी में, उस सबके बारे में उसके सब कौन क्या कर रहा है, वो सबको लेखा जोखा रखते हैं जी। और हम कर्म के बदौलत आए हैं, कर्म किए हैं, कर्म करते रहेंगे और वो हमारे कर्म को देख करके हमको बुलाया। और भी माझी समाज में था विधायक जी, तो मंत्री तो अब बनने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में 7 घटक दल थे, अब 7 घटक दल में एक दल जो है वो दरकिनार हो चुका है, 6 दल बचे हैं, 23 जून को बैठक भी होने वाली है, आगे चुनाव भी लड़ना, क्या लगता है कि महागठबंधन कमजोर हो रहा है? कोई असर पड़ने वाला नहीं है माझी जी के जाने से, कोई असर नहीं, 0 पर आउट हो जाएंगे। ये जो भ्रम फैला रहे हैं जी बीजेपी वालों, जो दलितों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, वो बतावे न कैठो दलित को सम्मान दिया है, महादलित को सम्मान दिया है, बतावे। तो माझी जी जिस तरीके से अलग हुए हैं, क्या लगता है कि कुछ बातचीत उनकी बीजेपी से चल रही थी? हम 6 महीना पहले हम अपने कार्यकर्ता जो भी नौजवान बैठते थे हमारे पास जी, तो माझी जी के बारे में पूछते थे, हम कहते 6 महीना नहीं चलेगा, लेकिन कल वो साबित कर दिया। मतलब तो पहले से अंदाजा था आपको? हमको अंदाजा था ये गड़बड़ करेगा जी, काफ़ी महत्वाकांक्षी लोग हैं, ये गड़बड़ करेगा। आप कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन लगातार वो वादे कसम वादे खा रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ रहेंगे और अचानक से फिर अलग हो जाते हैं। हमको तो तब आश्चर्य हुआ जब विधानसभा विस्तारित भवन में जी महागठबंधन की बैठक हो रही थी, हम उसी के बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने मंच से उठ करके कुर्सी से जी कहा, मैं माँ की कसम खाता हूँ जो आपके साथ हम छोड़ूंगा, लेकिन आज वो कसम के तोड़ करके, वादा तोड़ करके पूरे बिहार के महादलित जी को अपमानित करने का काम किया है, रतीश जी लेकिन सुनाने का काम किया है जी माझी जी कसम खाकर। अगर उसको पहले ही बदलना है समय समय पर, वो कसम नहीं खाना चाहिए जी। अब माँ से बढ़कर दुनिया में कौन है, और उसके लगा कर उसके साथ कसमें खाए और उस कसमें को तोड़ दिए, अब तो वो अपना समझे। लेकिन रत्नेश जी, संतोष सुमन ने जिस तरीके से जदयू पे आरोप लगाया, वो कह रहे हैं कि विलय का दबाव बनाया जा रहा था और जो अस्तित्व है हम पार्टी का वो खतरे में था, इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनकी पार्टी की मामला है जी, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। जो हमको लेकिन विलय के लिए आप दबाव बना रहे थे आप लोग? हमको ऐसा बात नहीं जानकारी है इस तरह की बातें, लेकिन वो जो विलय का दबाव बना रहे वो मनगढ़ंत बात है। लेकिन नहीं, ललन सिंह ने तो कल कह दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके, उन्होंने कहा कि छोटी छोटी दुकान चलाने से क्या फायदा, एक ही जगह पे आके मजबूती दें, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। हम कहे ना जो भाई वो सब की मसले हैं, हम नहीं जानते हैं इसमें, तो आप इसमें पढ़ना नहीं चाहते? ना ना, हम नहीं जानते। आगे क्या दिख रहे हैं, 23 जून को जो बैठक होगी, किस तरीके से बैठक, क्या सब रणनीति बनाई जाएगी, और मांझी के होने से क्या कुछ नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होने वाले हैं भाई साहब, कोई नुकसान नहीं, उसके बात को समझ गए हैं जो 80 से लेकर आज तक मुसहर समाज के विषय में बातें बनाते रहे हैं, काम नहीं किया है। चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ रत्नेश सदा, जिस तरीके से अब
जीतनराम मांझी के पुत्र संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। अब नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, जिसमें रत्नेश सदा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। लेकिन इन्होंने एक बात बता दिया कि 6 महीने पहले से इनको अंदाजा था कि जीतनराम मांझी अलग होने वाले हैं, और हुआ ठीक वैसा ही। अब आने वाले दिनों में जीतनराम मांझी क्या इंडिपेंडेंट ही रहते हैं या फिर किसी दल में गठबंधन में जाकर शामिल होते, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के साथ नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।